प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया, कहू कहाँ अइली है, की चलते अइली है। मिले अइली है, समझे अइली है कि डेयरी में नया कोई सुधा उधा अलै है कि न, दाना उना। भैया अहाँ तो दूध देवे ना करे छी डेयरी में, तो फिर यहाँ के की पता करे अइली है, ये कहाँ के जरूरी है। ऐसा है दीदी, हम तो दूरे पर से गोड़िया आबै छी, ओकरे दूध दे दै छियै या ऊ पैसो एडवांस दै छै। ओ अहाँ बिचौलिया के दूध दै छी? हाँ हाँ दीदी, हमरा तो दूरे पर से ले जाइ छथिन दूध। अच्छा ठीक है, तो अहाँ के हम बतबै छी। अच्छा तो दीदी बताबे से पहले थोड़ा अपन परिचय दे दीती तो ठीक रहते। नाम मुसा देवी छे, पोखरा पंचायत के रहे वाली हती, और गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हती और सदस्य, और रोशनी जीविका ग्राम संगठन के सदस्य छी, और डेयरी के सचिव छी। हाँ विजय भैया, अहाँ अभी गोरिया के दूध दै छी ना? हाँ दीदी। ओसे का नुकसान है और का डेयरी में देला से की फायदा है, से हम अहाँ समझबै छी। चलो बैठू। अच्छा ठीक है दीदी, समझाओ। अच्छा विजय भैया, जो आप बिचौलिया को दै छी अहाँ, ओमे अहाँ के लोटा के हिसाब होइ छै कि लीटर फैट के हिसाब से? तो लीटर के हिसाब से पैसा दै छै। ओ तो उनकर तो सुने कि लोटा से ले छथिन दूध? हाँ, हाँ, लोटा से हम सब दूध। तो सुने ली कि लोटा में तो ज्यादा दूध हटै छै ना, और लीटर से कम? हाँ, एक लीटर से ज्यादा लोटा में? हाँ, आ फिर उनका डब्बा भी रहै छै, वो भी थोड़ा सा बगल से फूलल, नीचे से फूलल टाइप के रहै छै ना, तो वो में भी ज्यादा दूध हटै छै, एक लीटर से ज्यादा 1.25 लीटर दूध हटै छै। भैया प्रतिदिन अहाँ गोलिया कितना दूध दै छी, कितना लीटर? 2 लीटर दीदी। कैसे भाव रेट दै छै अहाँके? 20 रुपये। 20 रुपये दै छै? हाँ। अच्छा, तो कोई भी गाय प्रतिदिन, कोई भी गाय 300 दिन दूध दै छै ना? हाँ हाँ, 10 महीना 8 महीना 9 महीना। हाँ, तो वो एडवांस अहाँके कितना दै छै? 7000-10000 दे दै छै। अच्छा, तो अपने के दूध कितना के भेल? 12000 के भेल। 12000? हाँ, तो फिर अहाँ के 7000 दै छै तो 5000 रुपया घाटा लगै छै। अच्छा। अगर 10000 दै छै तो 2000 रुपया घाटा लगै छै। घाटा लगै छै? हाँ, बहुत सा घाटा लगै छै। आ फिर ज्यादा दूध भी ले रहल है? दूधो ज्यादा ले लै छै। हाँ, दूध भी ज्यादा ले रहल है। लीटर लमहर रहै? हाँ, ज्यादा बहुत बड़ा रहै छै, 1.25 लीटर। विजय भैया अहाँ बताउ कि अपने गाय के दूध दै छी कि भैंसी के? हम सब दीदी तो भैंसी के दूध दै छियै। अच्छा, तो भैंसी के दूध में फैट होइ छै 6.1 से 6.1 से 10 तक। अच्छा अच्छा, जेकर जेकर 6 के अबै छै ना, उनकर दूध के 25.5 रेट होइ छै। 25.5 रुपया? हाँ, तो अहाँ के तो 5.5 रुपया घाटा लगै छै ना? हमरा लीटर पर 5.5 रुपया घाटा? हाँ भैया, तो 2 लीटर पर तो 11 रुपया हो गया। हाँ भैया, 11 रुपया घाटा लगै छै। अच्छा, तो डेयरी में ये सब बात ना होई छे? ना, ये सब बात कुछ ना है डेयरी में, फैट के हिसाब से। एकदम फैट के हिसाब से? जी जी। अच्छा दीदी, तो फैट के हिसाब से तो पैसा मिलै छे डेयरी में, तो डेयरी में और कोई विशेष फायदा है कि? हाँ हाँ भैया, बहुत सारा फायदा है। की दीदी, की सब फायदा है? NI वर्कर सुविधा छे। अच्छा अच्छा, अच्छा। और साफ किट का भी दवा मिले छे, कृमि नाशक दवा मिले छे। अच्छा अच्छा, और बस बहुत सारा सुविधा है, जैसे दूध बढ़ावे के बारे में बताएल गेलै, तो दूध बढ़ावे के बारे में भी, जैसे सुधा दाना। अच्छा। सुधा दाना भी यहाँ, मतलब सुपर सुधा दाना यहाँ मिलै छै। सुपर सुधा दाना? हाँ, जे बहुत अच्छा होइ छै, ओसे भी दूध बढ़ै छै। अच्छा। और अच्छा, बाजार से भी खरीदला पर अच्छा ना मिलै छै। अच्छा दीदी, यहाँ अहाँ के डेयरी में दवा में कोन कोन दवा मवेशी के मिलै छै? दवा में अहाँ FMD टीका मिलै छै, साफ किट मिलै छै। अच्छा। कृमि नाशक दवा मिलै छै। अच्छा, कृमि नाशक दवा भी मिलै छै? हाँ भैया। अच्छा दीदी, दूधो बढ़ाबे के लेल कोई सुविधा है कि? हाँ भैया, बहुत सारा सुविधा छै, जैसे मिनरल मिक्सचर भी मिलै छै। अच्छा। AI के भी सुविधा छै। हाँ। और सुपर सुधा भी मिलै छै यहाँ। अच्छा। और हरा चारा, बरसीम और जय के बीज भी सब मिले छे। अच्छा, तब तो बहुत सारा सुविधा है। हाँ भैया, बहुत सारा। अच्छा दीदी, AI के सुविधा से की फायदा है? बहुत सारा सुविधा है भैया,
जो मतलब ओकरा चेंज कैला से ना ओकर माँ जो मतलब देसी माँ जो है ओ तो कम दूध दै छै ना, 5 लीटर दूध दै छै, 4 लीटर कोई गाय है ना, ओकरा अगर नस्ल चेंज कर देल जाए संकर नस्ल के ओकरा मतलब एनआई करा देल जाए तो फिर ओ 10 लीटर दूध देतै यही सुविधा से। अगर कोई देसी गाय माँ अगर 5 लीटर दूध दे ओकरा बच्चा फिर 10 लीटर। भैया दूसरा फायदा एनआई से और भी है कि अहाँ के मतलब देसी गाय मतलब 160-170 दिन दूध दै छै और ये संकर नस्ल की गाय मतलब 300 दिन दूध दै छै। तब तो दूगो फायदो बढ़ गेल दीदी, एक तो दूधो ज्यादा दिन देलक और दूध भी ज्यादा देलक, 5 लीटर के दुगुना 10 लीटर दूध देलक। अच्छा दीदी टीका पहले देला से की फायदा है? अहाँ सब जब मवेशी जब बीमार पड़ जाए ना तो 400-500 के खर्चा लगे छे ना, एकदम लगे छे, तो ओकरा बचाव के लेल उसे बचे के लेल ना टीकाकरण पहले ही करवा दें, 40-50 रुपया खर्चा में ही अहाँ के हो जाए तो बहुत अच्छा हो, तब तो 400-500 रुपया से तो बच जाए वहाँ से ना। अच्छा तो बीमार होए से मवेशी बच, हाँ बीमारी से बच जाए मवेशी। तब तो फायदा है भैया, एक फायदा अहाँ के और है हाँ। कि अगर मवेशी 3-4 दिन तक बीमार रह जाए हाँ। तो अहाँ के दूध भी खत्म हो जाए, दूध भी बंद हो जाए ना, तो वो भी तब एक घाटा लगे अहाँ के। अच्छा तो ये घाटा से भी बचल जा सके, हाँ टीकाकरण के इस घाटा से अहाँ बच जा सके, टीकाकरण करा के। हाँ टीकाकरण करा के तब तक कराना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुधा दाना से की फायदा है? सुधा दाना यहाँ पर थोड़ा कम रेट में भी मिल जाता है और बढ़िया क्वालिटी के बाजार से जो अच्छा यहाँ पर सुपर सुधा दाना मिल जाता है और जगह से लेवे से बढ़िया मतलब हाँ बढ़िया यहाँ पर मिलता है। अच्छा दीदी मिनरल मिक्सचर से की फायदा है? भैया मिनरल मिक्सचर खिलाला से हाँ। मतलब रोग से लड़े की क्षमता भी हो पशु में। अच्छा और समय से पाल भी खाई छे और मवेशी समय से पाल खाई छे। अच्छा दीदी हरा चारा लगावे से की फायदा है? अगर हरा चारा 4 किलो के होइ छे हाँ। तो 4 रुपया के होइ छे ना हाँ हाँ। और सुधा दाना के होइ छे तो 13 रुपया के हो जाइ छे हाँ। तो अहाँ के तो मतलब फायदा होइ छे बहुत हाँ, तब 9 रुपया के 9 रुपया का फायदा हो जाइ छे हाँ। अच्छा दीदी अब तो हम बहुत बढ़िया से समझ गेली, अब बिचौलिया चाहे गुड़िया के दूध देला से फायदा ना है, जे सुविधा डेयरी में है वो बिचौलिया के यहाँ कोई सुविधा ना है, यहाँ टीकाकरण के सुविधा भी है, चारा के सुविधा भी है, फैट के हिसाब से दूध के उचित दाम भी मिलइए और बहुत सारा सुविधा है जे कि बिचौलिया गुड़िया एकर कोई सुविधा ना दैए और दूध भी ज़्यादा ले लैए। अब बढ़िया से हम समझ गेली, अब हमरो भी दूध देवे के है डेयरी में और गांव के समूह के लोग के भी दूध डेयरी में कहवन देवे के लिए।